का पार्षद नगरीय निकाय परासिया ने अभी जो वर्तमान में है एक रुपए का निर्माण कार्य 10 नंबर में नहीं कराया। सफाई कार्य जैसे कामों में भेदभाव हो रहा है। वार्डवासी खुद अपनी मेहनत करके, मैंने आपको वीडियो भेजा पर्सनल में, अध्यक्ष आपको भी, सेवा मैडम आपको भी, और परिषद के पार्षदों का जो ग्रुप है, वार्डवासी खुद नाले की सफाई कर रहे हैं। ये तो हम क्या टैक्स लेने की और बैठे हैं? मतलब कितने बार बोले हमारे साथ तो मतलब विपक्ष से भी बुरा बर्ताव कर रहे हैं आप, तो विपक्ष के लोगों के वार्डों में तक काम करा लेते हैं। वार्ड वासी खुद सफाई करेंगे? अरे सब वार्डों में यही हाल है। तो हम करके आए हैं, उल्लेखनीय कार्य किया है। सफाई जैसा काम नहीं हो पा रहा बरसात के पहले नालों का। आपको अतिक्रमण लोगों की सीट तोड़ने के लिए जेसीबी मिल जाएगी, पर नाले की सफाई के लिए जेसीबी नहीं है आपके पास। मुझे वार्ड नंबर 10 में नाला है, बड़ा नाला है, 2 वार्ड प्रभावित होते हैं, उससे 3 वार्ड। 11 नंबर वार्ड में पानी भरता है बरसात में, उसी कारण से 10 नंबर प्रभावित होता है, 9 नंबर वार्ड प्रभावित होता है। उसकी सफाई करवानी है आज। आपको जैसी भी नहीं मिल रही, मैं दिलवाऊंगा आपको। जीएसटी उसमें कितनी थी? 12% आज कितनी है? तो 6% तो आपके इसी बढ़ गए। हाँ तो 6% का ही अलग नुकसान हो रहा। कौन सा भाई? उसी टेंडर को अगर रोक के रखते, अरे सुनिए भाई साहब, अगर उसी टेंडर को रोक के रखते तो आपको 6% और ये नहीं देना पड़ता। कौन सा? यही वाला। उस समय 18 देना पड़ेगा आपको। आप खुद ही जो बोल रहे हो ना, 12 की जगह आपको 18 देना पड़ेगा। अरे यार कैसी बात कर रहे हैं यार, आपसे ज्यादा समझता हूँ इस मामले में। टेंडर आपसे ज्यादा मैंने डाले, इसलिए मैं बता रहा हूँ और डालता रहता हूँ। उस समय पूरी प्रोसेस नहीं हुई थी। अरे क्या बात कर रहे हो, वर्गार्डन जारी कर दिया आपने? कर दिया भाई तुमने? नहीं। अरे ऐसी कौन सी बात हो रही है, खेल चल रहा है क्या? उसकी फाइल है, उसको देख लो तुम। अध्यक्ष जी आप मेरे में नोट करिए, अध्यक्ष जी का कहना यह है कि वो प्रोसेस पूरी नहीं हुई थी। मजाक चल रही क्या? नोट कर लो। मतलब बिना प्रोसेस पूरी हुई वर्गार्डन भी जारी हो जाते हैं इस नगर पालिका परिषद में? उस समय अपन नहीं थे ना प्रशासक, थे उस समय। आप सब ठीक चल रहे हैं? अब ठीक है, उसको भी ठीक कर लीजिए। उसी परिषद ने निरस्त कर दिया जिस प्रस्ताव को, जिस टेंडर को, जिस काम को, उसको अधिक रेट में यही परिषद अगर स्वीकृत करती है, वित्तीय अनियमितता का मामला बनेगा। ये जो टेंडर के रेट में अंतर आया जिसका लाभ ठेकेदार को मिलेगा, ये वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आती। पूरी परिषद से आप एक बार निरस्त करवा ले रहे, दूसरे बार में रेट बढ़ा के उसी को सैंक्शन करवा ले रहे। पूरी परिषद जो है वित्तीय अनियमितता में आएगी, कोई कोर्ट चला जाएगा, हम सब लोग चुनाव लड़ने लाएंगे, बचेंगे आगे बढ़े, और मेरी आने में नौबत आएगी। तो हम ही ने प्रस्ताव को कैंसिल किया, हम ही नया खरीदार लाके उसमें ऐसा कर रहे हैं। तो मेरी तो असहमति है इसमें, बाकी जिसको अगर सहमत होना हो पार्षदों को तो वो हो जाए। आज परिषद की बैठक थी, काफी पिछली 2 बैठकों में मैं पारिवारिक समस्याओं के कारण से बैठक में उपस्थित नहीं हो पाया था, किंतु आज बैठक में उपस्थित हुआ। मैंने तो प्रमुख रूप से एक मांग ये रखी कि वार्ड नंबर 10 में अभी जो परिषद यहाँ पर है, बार बार निवेदन करने के बाद भी एक भी रुपए का निर्माण कार्य वार्ड नंबर 10 में आज तक नहीं कराया गया। मुझे ऐसा लगता है कि वार्ड नंबर 10 के साथ परिषद भेदभाव कर रही है। नाले की, जिसमें बारिश का समय नज़दीक है, पिछले बार भी बारिश होने के कारण से बहुत सारे वार्ड नंबर 10 में भट्टी मोहल्ले में घरों में पानी घुसा, वार्ड नंबर 11 के घरों में घुसा। हमने बार बार विनोद मालवीय जी से निवेदन किया कि उस नाले की सफाई कराई जाए, किंतु नहीं कराई गई। मजबूरी बस वार्ड वासियों के द्वारा खुद उस नाले की सफाई की गई, जिसके फोटो वीडियो मैंने आज परिसर में दिखाए और सवाल किया कि एक भी रुपए का काम आपने पिछले 2 वर्षों में वार्ड नंबर 10 में नहीं किया, वार्ड नंबर 10 के लोगों के साथ ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है। दूसरी प्रमुख बात ये थी कि इसी परिषद में विनोद मालवीय जी के नेतृत्व में आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण होने का टेंडर हो चुका था, उसका वर्क ऑर्डर जारी हो चुका था, जो कि SOR से 19% बिलो पे था, पर कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ठेकेदार को लाभ देने की दृष्टि से उस परिषद के सामने प्रस्ताव रखा गया कि भूमि नहीं है इसलिए इसको रद्द किया जाए। तो मैंने उस समय भी कहा था कि भूमि नहीं है पर आंगनवाड़ी एक आवश्यक चीज़ है, इसके लिए हमें भूमि का चयन करना चाहिए, उसमें अपनी ऊर्जा व्यस्त करना चाहिए, इसके टेंडर को निरस्त नहीं करना चाहिए। किंतु उस समय भी मनमर्जी करते हुए टेंडर को निरस्त कर दिया गया। आज पुनः प्रस्ताव आया कि नए टेंडर किए गए और 9% बिलों पे,
ये जो 12% का वित्तीय नुकसान नगर पालिका को हो रहा था, मैंने उस पर आपत्ति ली कि नगर पालिका की वित्तीय स्थिति वैसे भी अच्छी नहीं है, पर किसी को लाभ देने की दृष्टि से अगर 12% का ये जो नुकसान हो रहा है, कल को तो वित्तीय अनियमितता का मामले में, क्योंकि वही परिषद एक बार प्रस्ताव लेके पुराने टेंडर को निरस्त कर रही है और नए वाले टेंडर को स्वीकृत वही परिषद कर रही है, तो स्पष्ट रूप से वित्तीय अनियमितता का मामला एक एक पार्षद पे आ जाता, तो पार्षदों पे क्यों संकट लाना चाह रहे हैं? ये मैंने प्रस्ताव रखा, इस कारण से उसको आज होल्ड करने का निर्णय लिया गया। मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूँ कि संपूर्ण नगर अपना है ऐसा मानते हुए, बिना किसी वार्ड से भेदभाव किए हुए, समस्त रूप से सभी जगहों से एक सा कार्य किया जाए, नगर का विकास हो, नगर की उन्नति हो, नगर पालिका भी समृद्ध बने, आर्थिक रूप से भी समृद्ध बने, ऐसी इस दिशा में काम होना चाहिए। फिजूल खर्चियों पर रोक लगनी चाहिए। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।